हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, लिंक लिस्ट का एग्जांपल हम देखेंगे और लिंक लिस्ट के जो एप्लीकेशंस है वो जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। राइट, तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा लिंक लिस्ट समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिंक लिस्ट को समझाने वाला हूँ आपको। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा, कुछ मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर बनाए हुए हैं। राइट, ये कुछ ऐसे स्क्वायर बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, और उसमें कुछ डेटा है स्टोर। राइट, ये 10, फिर पॉइंटर 30, पॉइंटर फिर एरो, फिर 20, पॉइंटर नल। राइट, तो ये जो मैंने बनाया है ये एक लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम लॉजिकली अज्यूम करते हैं। ओके, अगर आपको किसी को लिंक लिस्ट समझानी है या फिर लिंक लिस्ट को आपको ड्रॉ करना है तो आप कुछ इस तरीके से लिंक लिस्ट को ड्रॉ करके बताएंगे। ओके, तो ये है लिंक लिस्ट। तो अब हम देखेंगे लिंक लिस्ट की डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आपके कंसेप्ट बताऊँगा। ओके, तो लिंक लिस्ट क्या होती है? तो लिंक लिस्ट ये जो नोड है ना, ये नोड का कलेक्शन होती है और हर एक नोड में सेकंड नोड का एड्रेस छुपा होता है। ओके, अब हम इसे सिंगल सिंगल एग्जाम्पल पर देखेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा जूम करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10 पॉइंटर। तो ये जो है ना गाइस, इसे हम कहते हैं नोड। राइट, इसे हम सिंगल नोड कहते हैं। तो हर एक नोड में डेटा स्टोर रहता है और इसके बाद जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर रहता है, जिसे हम पॉइंटर भी कहते हैं। जो मेमोरी में हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, सॉरी, जो सी लैंग्वेज में हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। ओके, तो उसे हम कहते हैं। तो हर एक नोड में डेटा स्टोर होता है, इसके बाद नेक्स्ट नोड का पॉइंटर स्टोर होता है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। और इसके बाद द कलेक्शन ऑफ नोड इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट, ये आपको दिख रहा होगा। राइट, इसे हम कहते हैं लिंक लिस्ट। और ये आप, मैं इसमें आपको सिंगली लिंक लिस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अगर यहाँ पे ऐसे रिटर्न एरर होते तो ये डबली लिंक लिस्ट होती, और अगर इसका जो नल पॉइंटर है वो यहाँ पे अगर पॉइंट कर रहा होता तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट होती। तो इस पर 3 टाइप पड़ते हैं लिंक लिस्ट के, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, तो ये 3 टाइप होते हैं लिंक लिस्ट के। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डेटा है 10, इसके बाद ये जो नेक्स्ट नोड है इसका एड्रेस यहाँ पे है इस पॉइंटर में। राइट, तो ये पॉइंट करेगा इस नोड पे, इसके बाद इस नोड में 30 है, इसके बाद उसमें नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है, यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है, नेक्स्ट नोड में 20 ये डेटा है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नल। राइट, तो मैंने यहाँ पे नल क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे एंड होने वाली है। तो लिंक लिस्ट हमारे जहाँ पे एंड होने वाली होती है वहाँ पे हम नल पॉइंट डालते हैं, इसका मतलब कि इसके बाद कोई भी लिंक लिस्ट नहीं है। हम उस नोड को ये बता देते हैं कि देख भाई, इसके बाद अभी कोई भी नोड नहीं है, तुझे यहाँ पे रुक जाना है। तो इस तरीके से हम नल यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपको बढ़ाना है इसके आगे और एक नोड ऐड करनी है तो आप कर भी सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली आप कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया लिंक लिस्ट। तो गाइज, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम इसमें सिर्फ 3 नोड ही ऐड कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप इसमें इनफाइनाइट नोड ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको जितने नोड ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बात इसमें ये है कि हम डायरेक्टली इस नोड को या फिर इस नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सबसे पहले जो फर्स्ट नोड होती है जो कि ये है उसको आपको एक्सेस करना होगा, फिर इसके बाद आपको इस पर जाना होगा, और फिर इसके बाद आपको इस नोड पे जाना होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे या फिर डायरेक्टली यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते, आपको ऐसा ये अलाउ नहीं करता है। मतलब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोई बात है नहीं ना गाइस। देखिए, ये जो फर्स्ट नोड है इसमें एड्रेस स्टोर है सेकंड नोड का, लेकिन मैं अभी फर्स्ट नोड पे हूँ और अगर मुझे थर्ड नोड पे अगर जाना है तो वो इम्पॉसिबल है, आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो ये पॉइंटर है उसमें एड्रेस स्टोर है इस नोड का। राइट, इस नोड का एड्रेस स्टोर है, तो आप सिर्फ यहाँ पे जा सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस। लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस कौन से हैं, क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये जो लिंक लिस्ट है वो एरे की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एरे में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है। राइट, तो इस एरे में क्या होता है, ये जो कंटिजुअस मेमोरी लोकेशन है
वो मेमोरी में कंटिन्यूस प्लेस पे स्टोर होते हैं। जैसे कि इसका एड्रेस हो गया अगर 1001, इसका हो गया 1002, इसका हो गया 1003, मतलब कुछ इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के वो स्टोर होते हैं एरेज में, राइट। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक्ड लिस्ट में क्या है कि आप अगर आपकी ये जो एक मेमोरी है, सपोज़ ये एक आपकी मेमोरी है, तो इसमें ये जो एरेज की तरह आपने स्टोर किया है इस नोड को, तो ये कंटिन्यूसली नहीं होती। यहाँ पे अगर 1004 है तो ये जो नेक्स्ट वाला जो हमारा नोड है ना गाइस, तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब नेक्स्ट एड्रेस मेमोरी में कोई भी एड्रेस हो सकता है 309, समझ में आ रहा है गाइस आपको? तो ये जो फर्स्ट वाला है ये कुछ भी हो सकता है, सेकंड नोड भी कुछ हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से लिंक्ड लिस्ट अपना जो एड्रेस होती है वो स्टोर करती है, सॉरी जो अपना डेटा होता है वो स्टोर करती है। तो लिंक्ड लिस्ट में एक अच्छी बात भी है कि आप जब रन टाइम में आपको आपकी जो लिंक्ड लिस्ट बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं, आप उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको कितने यूज़ करने हैं। और लिंक्ड लिस्ट गाइस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है, जो मेमोरी को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है। अगर आपने ये जो पॉइंटर यहाँ पे दिया है इन्होंने, इसको अगर आप नल कर देंगे तो ये जो नेक्स्ट नोड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे गाइस, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगी मेमोरी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बचा है इसलिए वो फ्री हो जाएंगी। इसमें जो भी डेटा है 20 ये भी डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लिंक्ड लिस्ट अपने एलिमेंट को स्टोर करती है, और एक एडवांटेजेस है लिंक्ड लिस्ट का, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज। गाइस डिसएडवांटेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर आपको किसी एन नंबर के नोड को अगर आपको विजिट करना है तो आप उसे डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही ट्रैवल्स करना पड़ेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल्स करके ही आप इस नोड तक पहुंच पाएंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है लिंक लिस्ट का, लेकिन कुछ नहीं, मेमोरी मैनेजमेंट और इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है ये, ओके। अब गाइस इसके बाद हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन। तो ये जो लिंक लिस्ट है ये बाइनरी ट्री में यूज़ की जाती है, मतलब जो भी बाइनरी ट्री होती है, आपको कभी मैं बता दूंगा बाइनरी ट्री क्या होती है, जो ऐसे बाइनरी ट्री होती है। तो इसमें लेफ्ट एंड राइट ये जो चाइल्ड होते हैं इन दोनों के, उसमें लिंक लिस्ट हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद है स्टैक, अगर आपको स्टैक यूज़ करना है, स्टैक बनाना है, तो आप उस स्टैक में भी लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मेमोरी लोकेट करती है, ओके। तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टैक में। और अगर आपको एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि कोई अगर आपको ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मेमोरी का बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है एफिशिएंट वैसे, तो आप वहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको फाइल डायरेक्टरी बनानी है तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है कभी कभी ये फाइल वन है और ये फाइल टू है, लेकिन इसकी डायरेक्टरी अलग है और इसकी डायरेक्टरी जो है वो अलग है, तो आपको दोनों डायरेक्टरी को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लिंक लिस्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी कॉपी पेस्ट करना है फ्रॉम दिस फाइल टू दिस फाइल, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ओके। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आपको लिंक लिस्ट समझ में आ गई होंगी। अगर आपका वीडियो सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो में लाते रहता हूँ। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।